हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यूरोपियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, सॉरी यूरोपियन ही वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म का, और फिर उसके साथ में हमने पढ़ा था इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म क्या क्या है इंडिया के सेकुलरिज्म, ठीक है? इंडियन सेकुलरिज्म के क्रिटिसिज्म क्या क्या है, आज हमारा टॉपिक वो है। तो अमेरिकन मॉडल ऑफ रिलीजन, हाँ, एंड सेपरेशन ऑफ स्टेट पावर इज कंसिडर्ड अ म्यूचुअल पार्टी प्रोहिबिशन। याद करो, इसमें बताया था कि स्टेट और क्या कहते हैं कि स्टेट और क्या कहते हैं कि रिलीजन तो अलग अलग चीजें थी, ठीक है? यहाँ पे रिलीजन जो होगा वो स्टेट के मैटर में नहीं इंटरफेयर करेगा, और स्टेट जो होगा रिलीजन के मैटर में नहीं इंटरफेयर करेगा। ये सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी। फिर उसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, हमने बताया था कि ये इंडिविजुअलिस्टिक मैनर पे क्या क्या कैसा था, ये फ्रीडम और इक्वलिटी जो थी यहाँ पे, जो ये किस कॉन्सेप्ट पे आया था, जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म था वो फ्रीडम और इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट पे था। लेकिन वो कौन सा फ्रीडम और इक्वलिटी थी, जब इंडिविजुअलिस्टिक मैनर में जो फ्रीडम और इक्वलिटी होती है उस पे फोकस करता है। फिर हमने बताया था यहाँ पे स्टेट, हाँ, प्रो स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म्स नहीं थे यहाँ पे, स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म नहीं होते, स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स नहीं होते, ठीक है? जब हम बात करते हैं इंडियन मॉडल सेकुलरिज्म की, तो यहाँ पे मैंने बताया था सेपरेशन और रिलीजियस सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता, बल्कि ये सभी रिलीजन को एडॉप्ट कर लेता है, सभी रिलीजन को मानता है कि सब लोग एक ही है। गिव्स फ्रीडम टू माइनॉरिटी एंड ऑल पर्सन टू एडॉप्ट द रिलीजन, सभी पर्सन को ये राइट देता है कि भैया तुम्हें जो रिलीजन चाहिए वो तुम एक्सेप्ट कर लो, जो रिलीजन तुम्हें मानना हो मानो, सबको एक ही दे देता। फिर अगला यहाँ पे आता है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज हैव राइट टू फाइंड दियर ओन प्रॉब्लम्स। वो अपने अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने कल्चर्स को बचाने के लिए अपने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? और साथ में ये क्या कहते हैं कि उनको फाइनेंशियल एड भी देता है, उनको फाइनेंशियल स्टेट भी, फाइनेंशियल एड भी देता था सरकार। फिर साथ में ही हमने बताया था कि ये कब ऐड किया गया था, तो बताया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में सेकुलर वर्ड यूज ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। क्या ऐड किया गया था, सेकुलर वर्ड ऐड किया। एमंग द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जो रिलीजियस फ्रीडम है, द राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू एजुकेशन। देखो सेकुलर सेकुलर की झलक कहाँ कहाँ पे, देखो सेकुलर तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में लिखा गया, लेकिन क्या 1976 के पहले क्या इंडिया के सेकुलर नहीं थी? जब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं कि अडॉप्ट किया गया, क्या इनेक्ट किया गया, तो क्या इंडिया सेकुलर नहीं था? नहीं, इंडिया सेकुलर तब भी था क्योंकि मतलब सेकुलर बस वर्ड लिखा नहीं था, सेकुलर वर्ड ऐड किया गया 1976 में। उसके पहले हमारे यहाँ देखो, याद करो मैंने आर्टिकल नंबर 15 जब पढ़ाया था, जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था, तो आर्टिकल नंबर 15 में क्या बताया था, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, देयर शुड बी, आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, इन सब चीजों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर का मतलब क्या है यहाँ पे, रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकते, रेस के बेसिस पे नहीं कर सकते, हाँ, कास्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते, एस का मतलब सेक्स के बेसिस पे नहीं कर सकते, और क्या कहते हैं कि पी का मतलब प्लेस ऑफ बर्थ। इन सारी चीजों पे आप किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है? इन सारी चीजों पे आप किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो यानी कि जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते तो यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो सेकुलर ही तो हुआ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो सेकुलर ही तो हुआ, तो यानी कि इंडियन स्टेट पहले से ही सेकुलर था, इंडियन स्टेट पहले से ही सेकुलर था। यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि राइट टू इक्वलिटी, हाँ, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 14 बोलता है कि सब लोग इक्वल है, सब लोग लॉ के सामने इक्वल है। अब वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जब सब लोग इक्वल है तो राइट टू इक्वलिटी भी बताता है कि हम सेकुलर हैं। राइट टू एजुकेशन भी हमें बताता है कि हम सेकुलर हैं। कैसे पता चलता है, राइट टू एजुकेशन में बताया जा रहा है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा लिखा है क्या कि 6 से 14 साल तक के हिंदू ही बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, या 6 से 14 साल तक के मुस्लिम बच्चों को ही एजुकेशन मिलेगा, ऐसा तो नहीं लिखा है। इसका मतलब फिर से यहाँ पे यही आ गया कि वी आर सेकुलर, ठीक है? हमारे जो कल्चर है, तो ऐसे ही सारी चीजें हैं कि जितने भी अपॉर्चुनिटी थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल रीजन, ये सब क्या बताते थे कि वी आर सेकुलर बिफोर, हम पहले से ही सेकुलर थे। ऐसा नहीं है कि अभी हम नए नए सेकुलर बने हैं, या सेकुलर 1976 में एड किया गया तो तब से हम सेकुलर हो गए, नहीं।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को लेकर के क्या क्या मेंशन है। देखो आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, किसी भी रिलीजन में बिलीव कर सकता है, किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकता है। आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इज प्रोवाइडेड, कि हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद ही मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 27 कहता है कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से टैक्स नहीं लिया जाएगा जब वो क्या कहते हैं कि अपने रिलीजन को प्रमोट करेगा। तो आर्टिकल नंबर 28 कहता है रिलीजियस एजुकेशन हैज बीन बैंड इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल नंबर 28 में बताया गया है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होंगे उसमें रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, उसमें रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और आता है आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 जो मेन फोकस में आता है, आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि भैया जितने भी जो क्या कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं वो क्या कहते हैं कि माइनॉरिटीज जो होंगे वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं जिसमें क्या करते हैं कि उनको टैक्स उनको क्या कहते हैं कि वो अपना एजुकेशन दे सकते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट भी उनको अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप करने में सहायता करती है। और जबकि हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या था, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म के कुछ क्रिटिसिज्म है, अब उस क्रिटिसिज्म का आपको जवाब लिखना होता है, ठीक है। लोग जैसे आपके मतलब कि इंडियन क्या, तो मतलब कि आपको ये चार पांच क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म है, इनके जवाब भी आपको देने ही पड़ेंगे। कि अच्छा जैसे मतलब कि वही बोलेगा कि भैया इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, एंटी रिलीजियस है। इंडियन सेकुलरिज्म एंटी रिलीजियस है, आपको ये बताना है, आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आप एग्री करते हो तो एक्सप्लेन करो, अगर आप डिसएग्री करते हो तो एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है, क्रिटिसिज्म की जब बात आती है तो क्रिटिसिज्म है तो यहाँ पे देखो क्रिटिसिज्म में इंडियन सेकुलरिज्म के क्रिटिसिज्म की बात करें तो सबसे पहला लोग बोलते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म इज एंटी रिलीजियस। लोग मानते हैं ये एंटी रिलीजियस है। याद करो मैंने शुरू में ही बताया था कि धर्म कभी हो सेकुलरिज्म कभी भी एंटी रिलीजियस नहीं होता है। तो इसके आपको सपोर्ट में भी लिखना होता है, अगेंस्ट में। अगर आप इसको सही मानते हो तो इसके सपोर्ट में आंसर, अगर आप इसको गलत मानते हो तो इसके अपोज में आंसर, लेकिन आंसर लिखना है। तो आपको वैसे तो ज्यादातर अब आपको पता है कि क्या इंडियन क्या सेकुलरिज्म एंटी रिलीजियस होता है क्या, तो सेकुलरिज्म कभी भी एंटी रिलीजियस नहीं होता, मतलब रिलीजियस के खिलाफ नहीं होता, क्योंकि सेकुलरिज्म तो कहता है कि प्रमोट करो, सेकुलरिज्म तो प्रमोट करता है। हाँ सेकुलरिज्म किसको प्रमोट करता है, रिलीजियस को, कि हाँ ये सेकुलरिज्म क्या करता है, फ्रीडम देता है, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, हाँ फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ऑल रिलीजन्स, सारे के सारे रिलीजन को ये इक्वलिटी प्रोवाइड करता है ना, फ्रीडम प्रोवाइड करता है ना, हाँ सारे के सारे रिलीजन को फ्रीडम और इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। और ये क्या कहते हैं कि ये क्या प्रमोट करता है, प्रमोट करता है, ये रिलीजन्स को प्रमोट करता है, ये सपोर्ट करता है, लेकिन ये किसको अपोज करता है, ये तो डोमिनेशन को अपोज करता है। मैंने बताया था कि रिलीजन को नहीं अपोज करता, रिलीजन को नहीं अपोज करता, इट अपोजेस किसको अपोज करता है, डोमिनेशन ऑफ एनी रिलीजन, डोमिनेशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन के डोमिनेशन को अपोज करता है, रिलीजन को नहीं अपोज करता, रिलीजन, ठीक है, नॉट द रिलीजन, रिलीजन को नहीं अपोज करता बल्कि किसको अपोज करता है भैया, ये अपोज करता है उसके डोमिनेशन को अपोज करता है। इसलिए इंडियन सेकुलरिज्म कभी भी या कोई भी सेकुलरिज्म कभी भी एंटी रिलीजियस नहीं होता, ये बताना है आपको, ठीक है। जब लोग बोलेंगे कि क्या, जब लोग बोलेंगे कि जो रिलीजन है वो सॉरी जब लोग बोलेंगे कि जो सेकुलरिज्म होता है वो एंटी रिलीजियस है, तो नहीं वो एंटी रिलीजियस नहीं है, क्योंकि वो तो प्रमोट करता है, वो तो सेकुलरिज्म जो होता है वो प्रमोट कर रहा है ना, तो कैसे वो एंटी रिलीजियस हो सकता है, समझ में आए ना। तो ये तो गलत बात है कि सेकुलरिज्म एंटी रिलीजियस है, ये गलत बात है, ठीक है। हमें पता है कि सेकुलरिज्म जो होता है वो
रिलीजियस डोमिनेशन के अगेंस्ट है, रिलीजन के अगेंस्ट नहीं, ठीक है, रिलीजियस जो क्या कहते हैं ये किसके, रिलीजियस डोमिनेशन के अगेंस्ट है, रिलीजियस डोमिनेशन के अगेंस्ट है, ना कि रिलीजन के अगेंस्ट है, ठीक है, इतना बात तो समझ आ गया। सिमिलरली इट हैज बीन आर्ग्यूड बाय सम ऑफ द सेकुलरिज्म थ्रेटन्स, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो सेकुलरिज्म होता है वो रिलीजियस आइडेंटिटी को हाँ थ्रेट करता है, मतलब कि कहते हैं कि उसके लिए खतरा है। सेकुलरिज्म क्या है, क्या रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए खतरा है? तो नहीं भैया, रिलीजियस तो क्या कहते हैं कि सेकुलरिज्म प्रमोट रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वलिटी, क्या सेकुलरिज्म क्या थ्रेटेंड है रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए? नहीं। क्या रिलीजियस सेकुलरिज्म खतरा है रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए? नहीं, क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम और इक्वलिटी को तो ये प्रमोट करता है। सेकुलरिज्म क्या करता है, रिलीजियस फ्रीडम और इक्वलिटी को प्रमोट करता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये प्रोटेक्ट करता है, रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, जबकि ना उसको उसको हटाता नहीं है, उसको खत्म करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करता है। इस प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि दूसरा चीज इसका क्या, और क्रिटिसिज्म क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि इंडियन सेकुलरिज्म इज वेस्टर्न इम्पोर्ट, इंडियन सेकुलरिज्म इज वेस्टर्न इम्पोर्ट, मतलब ये वेस्ट का मतलब कि ये अमेरिका क्या कहते हैं कि दूसरी जगह से लाया गया, दूसरी जगह से लाया गया है, इस वजह से लोग भी लोग क्या कहते हैं कि इसकी बुराइयां करते हैं कि ये क्या कहते हैं कि दूसरी जगह से लाया गया, मतलब कि विदेशों से आया, जस्ट हमने नकल कर लिया था। जैसा कि हमने पहले ही यहाँ पे मैंने आपको बहुत ज्यादा ये इसी पेज में देखो याद करो तो मैंने पूरा डिफरेंस बताया था कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या वेस्टर्न से ही लाया हुआ मामला है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म से हम क्या कहते हैं कि ये चीजें नहीं लाए, केवल और केवल मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी खुद की भी हैं। जैसे कि हमने बताया था कि हमारी रिलीजियस डाइवर्सिटी, या पहले से ही हमने इसके बारे में तो अंतर भी तो पढ़ लिया था, तो इतना बात समझ में आया कि क्या जब कोई बोलेगा कि इंडियन सेकुलरिज्म इज वेस्टर्न इम्पोर्ट तो क्या बताओगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे हमने क्या कहते हैं कि वेस्टर्न में तो था कि स्टेट और रिलीजन के बीच में अलग अलग था, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, स्टेट और रिलीजन दोनों इंक्लूड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्टेट सपोर्टेड रिफॉर्म्स वगैरह हम कर सकते, ये सारी भी बातें हैं। और दूसरा चीज, अच्छा ये मुझे बताओ कि अगर जब कोई कहे कि वेस्टर्न से लाए हुए, तो आप ऐसे ही इस प्रकार से कहते हो कि मोबाइल फोन भी तो दूसरे देश के लोगों ने बनाया, तो आप मोबाइल फोन की भी यूज कर रहे हो, तो मोबाइल फोन भी नहीं यूज करना चाहिए? दूसरे लोगों ने क्या कहते हैं कि कोई चीज ऐसे बना दिया तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, मोबाइल फोन टेलीविजन नहीं यूज करेंगे क्योंकि दूसरे देश के लोगों ने बनाया, तो भैया जब दूसरे देश के लोगों ने बनाया है तो उसको तो यूज कर रहे हैं, तो सेकुलरिज्म भी दूसरे देश के लोगों ने बनाया तो यूज करने में क्या जाता है? लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा कॉन्सेप्ट, ये भी हम बता सकते हैं कि दूसरा कौन सा, एक तो कारण ये बता देंगे भाई दूसरे देश को लोगों ने बनाया तो क्या हम उसको यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये बता देंगे कि एग्जैक्टली हमें पता है कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है केवल और केवल वेस्टर्न से आया हुआ नहीं है, बल्कि इसमें इंडियन ओरिजिन की भी चीजें हैं, इंडियन ओरिजिन की भी चीजें हैं, ठीक है, तो वो सारी बातें हमने कर ली थी, यहाँ पे इंडियन ओरिजिन की चीजें भी थी, ठीक है, केवल और केवल वेस्टर्न कल्चर से लाए हुई चीजें नहीं, इतना बात तो आपको समझ में आ गया। फिर अगला आ जाता है माइनॉरिटिज्म, तो लोग कहते हैं कि तीसरा पॉइंट आ जाता है कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या होता है, ये इंडियन सेकुलरिज्म इंडियन सेकुलरिज्म फेवर आ हाँ इज इन फेवर ऑफ माइनॉरिटी। कभी कभी लोग कहते हैं कि ये माइनॉरिटी को ज्यादा सपोर्ट करते, कभी कभी लोग ये कहते हैं कि ये माइनॉरिटी को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करता है, कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो माइनॉरिटी को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अ थर्ड एक्विजिशन थर्ड एक्विज हाँ एक्विजिशन अगेंस्ट सेकुलरिज्म इज द चार्ज ऑफ माइनॉरिटिज्म, मतलब लोग कहते हैं कि ये माइनॉरिटी को ज्यादा सपोर्ट, तो क्या कहते हैं कि लिखा हुआ है इट इज ट्रू दैट इंडियन सेकुलरिज्म एडवोकेट्स माइनॉरिटी राइट्स, यानी कि क्या कहते हैं कि ये एडवोकेट करता है, एडवोकेट का मतलब होता है कि सपोर्ट करता है माइनॉरिटी राइट को, वो सपोर्ट करता है कुछ ज्यादा ही, तो वही कह रहे हैं क्या ये जस्टिफाइड है, चेक करते हैं। तो देखो एक यहाँ पे कहानी लिखी हुई है, कहानी क्या है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक डब्बे में चार लोग हैं, एक डब्बे में मतलब कि एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन के डब्बे में क्या कहते हैं कि एक डब्बे में चार लोग हैं, तो चार लोगों में से क्या कहते हैं कि एक पर्सन है जो सिगरेट पीना चाहता है या स्मोक करना चाहता है, हाँ वो स्मोक करना चाहते हैं, ठीक है, वो जब स्मोक करना चाहता है तो क्या होता है कि तो वही लिखा हुआ है कि ट्रैवलिंग एट फास्टेस्ट, हाँ अब वो बहुत तेजी से चल रही है, इन द मिडल ऑफ द जर्नी
वन पर्सन फोर पैसेंजर्स हैं, जिसमें से एक पर्सन क्या करना चाहता है, स्मोक करना चाहता है, और जो वहीं पे जो सेकंड है वो कहना चाहता है कि भाई आप सिगरेट मत पियो, आप सिगरेट मत पियो। तो फिर क्या कहते हैं कि दो पर्सन ऐसे हैं, देखो चार लोग हैं, चार लोगों में से क्या कहते हैं कि एक पर्सन है जो स्मोक करने जा रहा है, एक स्मोक करने जा रहा है, और क्या कहते हैं कि एक है जो मना कर रहा है, क्या कर रहा है, मना कर रहा है। बाकी जो दो हैं वो तो स्मोकिंग करते हैं लेकिन वो अभी नहीं पी रहे हैं, उनको अभी स्मोकिंग नहीं करनी है। तो फिर क्या होता है कि ये लोग कहते हैं कि चलो चुनाव कर देते हैं, कितने लोगों को स्मोक कर, अगर ज्यादा लोग जीतेंगे तो क्या कहते हैं कि जो जीत जो ज्यादा होगा तो जीत। इन दोनों ने भी इसी का सपोर्ट कर दिया, स्मोकर का सपोर्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो स्मोक कर लेंगे, और फिर ये क्या हुआ कि प्रॉब्लम किसके साथ में होगी, जो मना कर रहा था, जो मना कर रहा था उसकी बात नहीं मानी। लेकिन अब देखो ये तो नॉर्मल लगेगा, आप नॉर्मल तब लगेगा क्योंकि इस मामले को तो वोट से किया गया, तो वोट की वजह से, याद करो तो वोट के, हाँ वोट का मतलब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो गया, इसका मतलब क्या है कि सही रहा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो कि अगर देखा जाए कि अगर जो बंदा जो था वो जो स्मोक करने से मना कर रहा था, हो सकता है वो बीमार हो, अगर हो सकता है वो बीमार हो उसकी वजह से क्या कहते हैं कि उसके सिगरेट स्मोकिंग करने की वजह से इतना ज्यादा उसको बीमारी बढ़ जाए कि वो मर भी सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या है कि माइनॉरिटी को सपोर्ट भी करना जरूरी था, क्योंकि माइनॉरिटी को सपोर्ट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी डेथ ना हो जाए। यानी कि माइनॉरिटी को लोग इसलिए सपोर्ट करते हैं, सरकार माइनॉरिटी को इसलिए सपोर्ट करती है कि भैया जो माइनॉरिटी है वो तो पहले से ही कम है, तो अगर उनको हम स्पेशल प्रिविलेजेस देंगे, उनको कुछ अधिकार देंगे, उनको कुछ अधिकार देंगे तो क्या कहते हैं कि उनके जो कल्चर होंगे, उनके जो लैंग्वेज होगी, उनको हम बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इतना है कि माइनॉरिटी को सपोर्ट करने का रीजन ये होता है कि क्या कहते हैं कि जो अगर उनको माइनॉरिटी को क्या कहते हैं कि हाँ अगर मतलब कि जो माइनॉरिटी होंगे उनको ज्यादा उनके लॉ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी के लोग को तो बात मानते ही मानते हैं, मेजोरिटी की बातों को तो लोग मानते ही मानते हैं। हाँ जो सरकार होती है वो मेजोरिटी की बात को तो मानती ही मानती है क्योंकि उनको वोट भी चाहिए होता है, लेकिन क्या कहते हैं कि जब माइनॉरिटी की बात आती है तो माइनॉरिटी के लिए अगर क्या कहते हैं कि कुछ स्पेशल प्रिविलेजेज होंगे तो उनको क्या कहते हैं कि आसानी होगी अपनी बात मनवाने में, ठीक है। और तो इस प्रकार से ये है, ठीक है। अब अगला आता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये है बहुत ज्यादा ये इंटरवेंशन करता है, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता है। हाँ अगला जो क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म है, अगला जो क्रिटिसिज्म है लोग कहते हैं कि जो चौथा जो क्रिटिसिज्म है लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंटरवेंशन करती है, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करती है, ठीक है। कौन ये जो क्या नाम है कि क्या नाम है सेकुलरिज्म क्या करती है, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करती है, इस बात को भी लोग कर लेकर के बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि वो मानते हैं सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म इज कोएर्सिव दैट इंटरफेयर्स एक्सेसिवली विद रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द कम्युनिटीज। कह रहे हैं कि रिलीजियस फ्रीडम के साथ में क्या कहते हैं कि ये रिलीजियस फ्रीडम को खत्म करने की कोशिश करती है, कह रहे हैं कि ये इंटरवेंशन करती रहती है, इंटरवेंशन कहती रहती है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ये होता है इंडियन सेकुलरिज्म रिजेक्ट्स द नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजन। देखो इंडियन सेकुलरिज्म क्या है कि इंटरफेयर करती है रिलीजन में, ठीक है, इंटरफेयर करती है रिलीजन में, लेकिन कब रिलीजन में इंटरफेयर करती है, जब आपके रिलीजन में कोई ना कोई कमी हो, मतलब कि जैसे सोशल रिफॉर्म के लिए इंडियन सेकुलरिज्म फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस। इंडियन सेकुलरिज्म किस कॉन्सेप्ट को मानती है, प्रिंसिपल डिस्टेंस का। प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब इसको क्या कहते हैं कि दो कम्युनिटी के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में क्या कहता है कि म्यूचुअल लाना है, मतलब कि क्या कहते हैं कि शांति लानी होगी, तब तो क्या कहते हैं कि वो डिस्टेंस पे रहेगा, बट कभी ना कभी ये अलाउ करता है इंटरफेरेंस को भी, अलाउ करता है, ये इंटरफेरेंस को भी अलाउ करता है इंडियन सेकुलरिज्म, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब जो कोई भी कमियां होंगी उनको हटाया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो इंडियन सेकुलरिज्म क्या करता है, स्टेट सपोर्टेड रिफॉर्म को, रिलीजियस रिफॉर्म को सपोर्ट करता है। हाँ इंटर जो सेकुलरिज्म होता है, इंडियन सेकुलरिज्म किसको सपोर्ट करता है, स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम अगर हम जब हम कह रहे होंगे कि जब वो रिलीजियस रिफॉर्म कर रहा है, तो अगर आप रिलीजियस रिफॉर्म को सोच रहे हो, रिलीजियस रिफॉर्म को सोच रहे हो कि ये इंटरवेंशन करना, तब तो ये गलत है। रिलीजियस रिफॉर्म इंटरवेंशन नहीं होता, रिलीजियस रिफॉर्म से क्या होता है कि जो लोगों को, जो ऑप्रेस्ड पीपल है उनकी सहायता की जाती है, जो ऑप्रेस्ड पीपल होंगे, जो वुमेन है, हाँ जिनको आज तक कभी मतलब कि कोई राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन राइट्स को अगर आप दिया जा रहा है तो फिर क्या कहते हैं कि वो इंटरवेंशन को हम बुरा नहीं कह सकते, ठीक है।
उन इंटरवेंशन को हम बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें क्या कहते हैं कि राइट्स दे रहे हैं, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट होंगी, ठीक है, इतना बात समझ में, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉम्प्लेक्स डॉक्ट्रिन, बट दे आर नॉट समथिंग दैट वी नीड टू लिव विद फॉर एवर। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके साथ में हमें रहना नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये रिलीज जो ये क्या कहते हैं कि जो हमारे जो क्या कहते हैं कि हम मानते हैं कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसलिए इंटरफेयर करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा सेक्युलरिज्म इसलिए इंटरफेयर करता है ताकि हमारे जो क्या कहते हैं कि हमें जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हम कर सकें, और क्या कहते हैं कि हाँ रिलीजियस रिफॉर्म्स वगैरह कर सके, इसकी वजह से क्या कहते हैं कि इंटरफेयर करना पड़ता है। अब फिर अगला आता है, लोग कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सेकुलरिज्म है उसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से काम करती है, कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नेता काम करते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, सेकुलरिज्म इनकरेजेस द वोट बैंक पॉलिटिक्स। लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म किसको सब इनकरेज करती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये क्लेम ठीक है, ये क्लेम किस बेसिस पे है, डेटा के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे, ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है या जो सरकारें होती हैं, जो अब क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो जो पॉलिटिशियंस का डेमोक्रेसी में क्या काम, पॉलिटिशियंस का डेमोक्रेसी में काम होता है कि हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के लिए उनको वोट चाहिए होता है, चुनाव जीतने के लिए उनको वोट चाहिए होता है, तो उस वोट के लिए उनको जा करके उनको लोगों को और जॉब ऑफर करनी पड़ती है, ठीक है, जॉब वगैरह ऑफर करनी पड़ती है। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो हमेशा फिर क्या कहते हैं कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स को मानते हैं कि हाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स को के लिए क्या कहते हैं कि माइनॉरिटीज के पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया आप अगर हमको वोट दोगे तो हम आपको ये चीजें करके देंगे, ठीक है, इसके हम आपको ये वाले राइट दे देंगे, अलग अलग राइट्स की बात करते हैं, हाँ, और फिर कहेंगे कि हम आपके एजुकेशनल में क्या कहते हैं कि जॉब ऑफर करते हैं वगैरह वगैरह चीजें ऑफर करते हैं। तो ये होता है, लेकिन अगर इससे इसकी वजह से कुछ लोगों का भला हो रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से, तो लोग मानते हैं कि चलो ठीक है कि हाँ ये माना जाता है कि है क्या कहते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, लेकिन क्या कहते हैं कि अगर इसकी वजह से, अच्छा कह रहे हैं कि इफ द ग्रुप विच हैज वोटेड फॉर द पॉलिटिशियन डज नॉट गेट ए बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्ट, अगर वोट देने के बाद उसको बेनिफिट हो रहा है तब तो कोई बात नहीं, वोट देने के बाद अगर उसको बेनिफिट हो रहा है सेकुलरिज्म में तब तो ठीक है, अगर वोट देने के बाद भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा है तब समझ लो कि गलत है, वोट देने के बाद भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तब गलत है, बाकी अगर वोट देने के बाद बेनिफिट मिल जा रहा है तो सही है। फिर अगला आता है, लोग कहते हैं ये इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट, लोग कहते हैं कि ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब लोग मिलकर के साथ में रह सके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब लोग मिलकर के साथ में रह सके, तो ये लोग कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है, ये एक तो सबसे लास्ट क्रिटिसिज्म है, जो सेकुलरिज्म कैन नॉट वर्क बिकॉज इट ट्राइज टू डू मच, लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म इसलिए नहीं सक्सेस होगा क्योंकि ये बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ चाहता है, मतलब कि ये चाहता है कि दो ऐसे समाज एक साथ में रहें या दो ऐसे ग्रुप्स एक साथ में रहें जो कभी साथ में रह ही नहीं सके, पीपल विद डीप रिलीजियस डिफरेंसेस विल नेवर लिव टुगेदर इन पीस, लोगों का मानना है कि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते, कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो ये भी क्या कहते हैं कि ये फॉल्स क्लेम है, ये क्या है, फॉल्स क्लेम है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, याद करो अभी मैं बता रहा था कि अशोका के टाइम से ही अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ में रहते हुए हमारे यहाँ आ रहे हैं, हाँ ऐसा बहुत जगह और भी है जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, जैसे ऑटोमान एम्पायर जो था, वो क्या कहते हैं कि वहां पर भी पहले लोग बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ में रहते, ठीक है, लेकिन लोग फिर ये कहेंगे कि भैया जो धर्म में जो लोग होते हैं वो कैसे थे, पहले के जो लोग थे वो कैसे थे, हायरार्की में थे, हायरार्की मतलब एक के बाद एक के लेवल में थे। तो इस प्रकार से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो भैया कि इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग इंडिया की तरफ आंख लगाए हुए बैठे हैं कि इंडिया में अभी भी देखो बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के लोग, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ में रह रहे हैं ना, एक साथ में रह रहे हैं। तो इस वजह से चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मिडल ईस्ट कंट्री हो, सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इंडिया इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी क्या कहते हैं कि ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये सेकुलरिज्म जो है वो पूरे वर्ल्ड में भी काम कर सकता है, ठीक है, सेकुलरिज्म पूरे वर्ल्ड में भी काम कर सकता है, तो ये कोई इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट नहीं है। तो देखो कुछ क्रिटिसिज्म है हमें पता होना चाहिए, पहला चीज, हाँ तो वो जो हमने अभी वहां पे चारों पांचों पॉइंट पढ़े उनको हम अलग अलग से पढ़ लेते हैं, कि देखो कुछ अपोनेंट्स कहते हैं ये एंटी रिलीजियस है,
तो क्या ये एंटी रिलीजियस है? नहीं, एंटी रिलीजियस नहीं है। क्या ये थ्रेट टू रिलीजियस आइडेंटिटी है? नहीं, रिलीजियस आइडेंटिटी को थ्रेट नहीं करता, क्योंकि ये तो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करती है रिलीजियस आइडेंटिटी को। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, थ्रेटन नहीं करती। फिर दूसरा था कि क्या ये इम्पोर्टेड है वेस्ट से? नहीं, इम्पोर्टेड नहीं है, बल्कि कुछ बातें लाई गई हैं, लेकिन क्या सारी की सारी बातें लाई गई है? नहीं कुछ। अब फिर अगला था एडवोकेट फॉर द माइनॉरिटी। क्या ये माइनॉरिटीज़म को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करता है? तो नहीं, उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है ये, मतलब कि जरूरी जहाँ कुछ चीजें होती है उनके लिए रहे। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सही, मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स को प्रमोट करती है। तो हाँ, कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स को प्रमोट तो करती है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स में तब तक सही है जब तक, क्या कहते हैं कि अगर मतलब कि जो पॉलिटिशियन है, अगर क्या कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने जिस चीज के लिए अगर वोट दिया है, अगर उनको वो चीजें मिल जाती हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तब तो गलत है। फिर अगला आता है एक्सट्रीमली इंटरवेंशनिस्ट। क्या ये बहुत ज्यादा इंटरवेंशन करता है? तो इसकी वजह से भी याद करो, मैंने बताया था कि ये जब सोशल रिफॉर्म कर देता है, जब स्टेट सपोर्टेड सोशल रिफॉर्म करता है, इंटरवेंशन तब करता है जब उसमें कुछ कमियां होती, उनपे कुछ कमियां होती है, ताकि लोगों के बीच में इक्वलिटी लाने के लिए इंटरफेरेंस करता पड़ता है। इंटरवेंशन कब करना पड़ता है? ताकि इंट्रा रिलीजियस इक्वलिटी हो सके, इसके लिए करना पड़ता है। फिर लोग कहते हैं ये इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है, कि ये बहुत कुछ करना चाहता है इसलिए इम्पॉसिबल है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, डिस्पाइट मेनी क्रिटिसिज्म या सेकुलरिज्म, हाँ, रिप्रेजेंट्स अ रिफ्लेक्शन इन द फ्यूचर वर्ल्ड। ये फ्यूचर वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश करता है इंडिया का सेकुलरिज्म, क्योंकि इंडिया का सेकुलरिज्म एक ऐसा सेकुलरिज्म है जिसके ऊपर सारे लोग आंख गड़ा करके बैठे हुए देख रहे हैं कि क्या कहते हैं कि कैसे ये क्या कहते हैं कि ये अभी तक क्या कहते हैं कि ये सेकुलरिज्म या इतने सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के काम कर रहा है, और यानी कि इतने अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग अभी भी यहाँ पे लोग हैं, और वो लोग क्या कहते हैं कि अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे मतलब कि तो इसी तरीके से फिर पूरी दुनिया में भी धीरे धीरे करके क्या कहते हैं कि सेकुलरिज्म आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया से सारी चीजें समझ में आई होंगी, और जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी वो जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। ओके।